हेलो स्टूडेंट, स्वागत है स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल पर। आज फिर से हाजिर है एक और वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में करने वाले जो हमारा टॉपिक चल रहा था लॉजिकल वेन डायग्राम का टॉपिक चल रहा था, अपना तार्किक वेन आरेख का टॉपिक चल रहा था। तो इसी में से कुछ क्वेश्चन और करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं इसको। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्टडी से रिलेटेड हमारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे निम्नलिखित में से कौन सी आकृति लड़कों विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के बीच संबंध को भलीभांति दर्शाती है। अब अपने को पता है कि लड़के विद्यार्थी हो सकते हैं, विद्यार्थी लड़के हो सकते हैं, और विद्यार्थी और लड़के खिलाड़ी भी हो सकते हैं। जैसे कुछ वाले क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे पिछली वीडियो में, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लड़के विद्यार्थी हो सकते हैं। जैसे ये लड़के हो गए और इसमें से कुछ लड़के जो है विद्यार्थी हो जाएंगे, कुछ विद्यार्थी लड़के हो जाएंगे, और खिलाड़ियों की अगर बात करूं तो लड़के भी खिलाड़ी हो सकते हैं और विद्यार्थी भी खिलाड़ी हो सकते हैं। लड़के भी खिलाड़ी हो सकते हैं और विद्यार्थी भी खिलाड़ी हो सकते हैं। तो आपस में इनका कुछ हिस्सा, कुछ ना कुछ इनका आपस में संबंध है। तो अगर कुछ ना कुछ आपस में संबंध होगा तो आकृति कौन सी बनेगी, डायग्राम कौन सा बनेगा, ये ए वाला। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो आकृति है ये अलग अलग दर्शाती है, तो इसलिए ये इनका संबंध नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए हुए रेखाचित्र में से कौन सा रेखाचित्र पति पत्नी और परिवार के आपसी संबंध को प्रदर्शित करता है। तो अब अपने को पता है परिवार किससे बनता है, पति पत्नी से। देखो इन चीजों के लिए बेसिक जानकारी या जनरल नॉलेज की जानकारी होना जरूरी है, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो अब अपने को पता है परिवार किससे बनता है, पति और पत्नी से। जैसे ये हो गया परिवार, अब पति पत्नी किसमें आते हैं, परिवार में आते हैं। पति पत्नी किसमें आते हैं, परिवार में आते हैं। तो इस तरीके का डायग्राम इसका सिंपल सवाल है, इस तरीके का कौन सा डायग्राम है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दिए गए आरेख में से कौन सा आरेख नारी माँ और डॉक्टर को दर्शाता है, नारी माँ और डॉक्टर के संबंध को दर्शाता है। अब अपने को पता है कि जो माँ है वो नारी है, जो नारी है उसी में माँ आएगी, नारी के अंदर ही माँ आएगी। ये नारी हो गया, ये माँ हो गया, नारी के अंदर ही माँ आएगी, ये नारी हो गया, ये माँ हो गया। और डॉक्टर की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर नारी भी हो सकती है और डॉक्टर माँ भी हो सकती है। डॉक्टर क्या है, नारी भी हो सकती है, ये डॉक्टर है ये नारी भी होगी और ये माँ भी हो सकती है। ये हो गया डॉक्टर। तो डॉक्टर नारी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र घोड़े सतन प्राणियों जानवरों के बीच संबंध को दर्शाता है। अब सतन प्राणियों और जो सतन प्राणी नहीं होते हैं, मैमल्स नॉन मैमल्स, इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया हुआ है। तो जो घोड़े आते हैं, भेड़ बकरी घोड़े गाय भैंस, ये सब कौन से है, सतनधारी प्राणी है, ये सतनधारी प्राणी है। तो घोड़े जो है सतनधारी प्राणियों में आएंगे। तो जैसे ये हो गया आपका आकृति बनाएंगे, तो ये हो गया जानवर। जानवर के अंदर ही क्या आएगा, सतनधारी प्राणी आ जाएंगे, जानवर के अंदर ही सतनधारी प्राणी आ जाएंगे। और सतनधारी प्राणियों के अंदर भी घोड़ा आ जाएगा, सतनधारी प्राणियों के अंदर ही
घोड़ा आ जाएगा। तो इस तरीके की आकृति इसकी बनेगी, इस तरीके की आकृति ये वाली है, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चनों के साथ हाजिर होंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।